मथुरा के डीआईओएस कृष्णपाल सिंह निलंबित हो गए हैं। नियुक्तियों में गोलमाल और कार्य में लापरवाही का इनके ऊपर आरोप लगा है। जैन इंटर कॉलेज में 11 नियुक्तियों के मामले में यह निलंबन है। डीआईओएस अदालत में नहीं रख पाए सही तथ्य, जिसके चलते इनको निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें, डीआईओएस की भूमिका संदिग्ध होने पर शासन ने इनको सस्पेंड किया है। तो डीआईओएस अदालत में अपना जो तथ्य है वो सही तरीके से नहीं रख पाए थे, जिसके बाद इनको निलंबित कर दिया गया। लगातार इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि अपने काम को सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, और इन कामों को देखते हुए कृष्णपाल सिंह जो है उनको निलंबित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इनको नियुक्तियों में गोलमाल करने का इनके ऊपर आरोप लगा है। तो वहीं साथ ही साथ कार्य में लापरवाही का भी आरोप लगा है। जिस प्रकार लगातार सरकार अपने अधिकारियों को लेकर बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दे रही है, उसने अपनी कमर कस रखी है कि अगर कोई भी अधिकारी अपने कार्य में ढिलाई बरतेगा तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। लगातार योगी सरकार ये कहती रहती है कि हमारी सरकार में कोई भी अधिकारी काम में लापरवाही नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार कृष्णपाल सिंह जो है उनको निलंबित करते हुए सरकार ने फिर से एक बार ये पेश कर दिया कि अगर आप काम अपना सही प्रकार से नहीं करेंगे या आपके काम के अंदर कोई भी गोलमाल देखा जाएगा तो आपको इस तरीके से निलंबित किया जाएगा। तो हमारे सहयोगी मातुल शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ। मातुल, जिस प्रकार से कृष्णपाल सिंह को निलंबित किया गया, इनके ऊपर गोलमाल और कार्य में लापरवाही का आरोप है, तो ये गोलमाल की जो खबर है, उन्होंने क्या गोलमाल किया है जिसके चलते इनको निलंबन झेलना पड़ा? जिस शिक्षक घोटाला हुआ था उसमें मथुरा के शिक्षक लगे थे और इन पर ये आरोप है कि उन्होंने एक पद में शिक्षकों की नियुक्ति की थी, इस वजह से इनकी जांच चल रही थी और इस जांच में सही पाए गए और उनको निलंबित किया गया। उसके अलावा ये कार्य सिलसिला में काफी कर रहे थे, कार्य में अपने कार्य में ध्यान नहीं देते, इस वजह से भी इनको निलंबित किया गया। जी, तो वही क्या लगता है कि सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है, इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? ये अभी अभी यही तैयारी चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जब प्रथम उनको दोषी पाया तो उनको निलंबित किया गया और आगे चलती रहेगी। लेकिन इस तरह से आप देखिए, ऐसे पत्थर होने के बाद भी जब फर्जी घोटाले, शिक्षक फर्जी घोटाले में इनका नाम आ रहा और इन्होंने शिक्षकों को नियुक्ति दी, इस वजह से इनको निलंबित किया गया। जी मातुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।